हाय गाइस, मैं हूँ स्नेहा। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो मेरी आज की वीडियो में मैं अपना स्किन केयर रूटीन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मेकअप रिमूव करना है, तो मैं अपनी लैशेस रिमूव कर रही हूँ। उसके बाद मैं ले रही हूँ ये एक्ने क्लियरिंग फोम। नाउ दिस इज़ अ फेस वॉश, और इस तरीके के मेकअप क्लेंजिंग पैड पर इसे मैं हल्का सा पोर करूँगी एंड मैं अपने पूरे फेस को अच्छे से इसे वॉश कर लूँगी। अब आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छे से फोम हो रहा है, यानी कि मेरे फेस की जो भी डर्ट है, जो भी मेकअप है, पूरे दिन की जो भी गंदगी है, उसे बहुत अच्छे से ये क्लियर कर रहा है। ये मेकअप क्लेंजिंग पैड है, ये ना सिर्फ फेस के लिए बल्कि लिप्स और आईज़ के मेकअप को रिमूव करने के लिए भी बहुत ही अच्छा है। ये आपको मिनीसो या ज़िमिवो जैसे स्टोर्स में आराम से मिल जाएगा। आप देख सकते हैं इसने आई मेकअप को भी बहुत अच्छे से रिमूव किया है, एंड दिस इज़ ऑल द मेकअप दैट हैज़ बीन रिमूव विद दिस क्लेंजिंग पैड। इसके बाद आप अपने फेस को एक बार वॉश कर लें, और मैं ले रही हूँ एस्टेलॉडर का ये एडवांस नाइट रिपेयर सीरम, और मैं इसकी 4 to 5 ड्रॉप्स अपने पूरे फेस पे इस तरीके से अप्लाई करूँगी। अब अगर आप अपने स्किन पे ग्लो चाहते हैं, ब्राइटनेस चाहते हैं, डलनेस को रिमूव करना चाहते हैं, तो इसे लगा के सोना या दिन में इसे एक बार लगाना बहुत अच्छा रहता है। बहुत लाइट वेट सीरम है, ऑल स्किन टाइप्स इसे बड़ी ही आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इन सब प्रोडक्ट्स को नीचे आपके लिए ज़रूर लिंक कर दूंगी, ताकि आपको इन्हें ख़रीदने में कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट, अपने पिंपल और एक्ने मार्क्स के लिए मैं ये होममेड एंटी पिंपल ऑयल ले रही हूँ। एंड जहाँ पे भी मुझे लगता है कि मेरे पिंपल्स निकलने वाले हैं या मेरे पिंपल के मार्क्स हैं जिन्हें मैं जल्द से जल्द हटाना चाहती हूँ, वहाँ पर एज अ स्पॉट ट्रीटमेंट अप्लाई कर रही हूँ, और फिर अपने फिंगर टिप्स की मदद से इस तरीके से उसको अपने स्किन में अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ। अगर आप 25 प्लस हैं या आप अपने 30s में हैं, तो अपने अंडर आई की केयर करना बेहद ज़रूरी है। तो मैं बिलीव का ये मॉइस्चराइजिंग आई बॉम, विच इज़ अ आई क्रीम, ये ले रही हूँ। सो आपको बहुत कम क्वान्टिटी लेनी है, एंड यू हैव टू टेक इट ऑन योर रिंग फिंगर लाइक दिस। तो अपने दोनों रिंग फिंगर्स में अच्छे से पहले से ब्लेंड कर लीजिए। क्वांटिटी एकदम मिनिमम होनी चाहिए, अदरवाइज अंडर आई पे ये बम्प्स या मिलिया टाइप कॉज कर सकता है। तो मैंने अपने दोनों रिंग फिंगर पे एकदम स्लाइट क्वांटिटी ली है, और मैं 4 to 5 मिनट्स तक इस तरीके से अपने अंडर आईज़ पे इसे अच्छे से मसाज करूँगी। फॉर माय फेस मॉइस्चराइज़र मैं ये होममेड एलोवेरा सैफ्रॉन जेल ले रही हूँ, एंड आई एम गोइंग टू टेक अ लिटिल बिट ऑफ इट और फेस पे इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स दोनों चीक्स, फोरहेड, नोज़ और चिन पे अप्लाई करूँगी, एंड देन यू ब्लेंड इट लाइक यू ब्लेंड योर एनी फेस क्रीम और मॉइस्चराइज़र। नाउ दिस इज़ ग्रेट अगर आप अपने फेस पे ओवरऑल ब्राइटनेस चाहते हैं, या आप कम दाम में घर पे एक होममेड मॉइस्चराइज़र या फेस जेल बनाना चाहते हैं। मूविंग ऑन फर्दर, फाइनली इट्स टाइम फॉर द लिप्स। तो मैं लैक्मे का ये लिप लव लिप बाम ले रही हूँ, ये शेड है चेरी। आप ऑफकोर्स ऐसा कलर ले सकते हैं जो बिल्कुल न्यूट्रल हो, बिल्कुल नेचुरल दिखे, एंड अप्लाई इट एज यू अप्लाई एनी लिप बाम। दिस इज़ ग्रेट फॉर मॉइस्चराइजेशन। आप इसे डे टाइम एज वेल एज नाइट टाइम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो माय नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन के ऊपर। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी नीचे कॉमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। मेरी आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बाय बाय।